हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का व्लॉग 9 बजे स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने सुबह सुबह एक दूसरा व्लॉग एंड किया था, और आज फिर से मम्मी चूल्हे पे ही रोटी सब्जी बना रही है, देखो। और आज में है आलू मेथी की सब्जी, देखो। ये मैं उगाड़ कर नहीं खा सकता खोल के, क्योंकि प्लेट गर्म होगी। देखो दोस्तों, आपको दिखाने के लिए मैंने प्लेट हटाई दी, इतनी मस्त खुशबू आ रही है इसमें से। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े पतीले में इतनी थोड़ी सी सब्जी, क्योंकि छोटी पेची वो ना इसके अंदर चली जाएगी, और वो काली बनी थी, बड़ी वाली पहले से काली हो रखी थी, तो मम्मी सोची कि इसी में बना ले। दोस्तों, हमने खाना पीना तो खा लिया, और मैं आप सभी को विश करना तो भूल गया, क्योंकि आज है गोवर्धन पूजा। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, हमने यहाँ पे गोवर्धन महाराज जी बिठा भी दिए हैं, सभी को आशीर्वाद देना। आज के दिन है ना दोस्तों, श्री कृष्ण जी ने है ना गोवर्धन को एक उंगली से उठा के गोकुलवासियों की सहायता की थी। उस दिन के बाद आज तक गोवर्धन की पूजा हो जा रही है। दोस्तों, अभी देखो दोपहर हो रखी है, और देखो आज दोपहर में धूप नहीं निकली हुई, बहुत अच्छा मौसम आज, इसलिए हम खेतों में जा रहे हैं घूमने के लिए। और हमारे पास देखो पटाखे बचे हुए हैं, तो हम खेतों में थोड़े बहुत एक दो पटाखे ही फोड़ाएंगे, क्योंकि ये वेस्ट जाएंगे, वरना हम पटाखे ही फोड़ाएंगे खेतों में। और आज बहुत अच्छी हवा चली हुई है। देखो दोस्तों, यहाँ पे कितना ज्यादा कचरा है ना, और देखो इन बेचारों को लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर गाय हो जाती ना तो उनको पाल लेते, वो दूध दे देगी, और जो भी बछड़ा हो गया ना, देखो इसको छोड़ दिया, एक कैसे बेचारा देखो गंदगी खा रहा है। दोस्तों, हम खेतों में तो आ गए हैं, और देखो और खेत उधर है, और कुछ इधर है हमारे खेत। हाँ, को पता है आज मैंने ना मिस्टर इंडियन हैकर की वीडियो देखी, वो दिलराज भाई है ना, उसकी तो मैं देखता हूँ, मुझे भी बहुत पसंद है उनकी, तो बहुत पसंद है। दक्ष, मेरे ना दिमाग में एक आइडिया आया, घर पे जाकर हम भी एक्सपेरिमेंट करें। एक्सपेरिमेंट? घर पर जाकर एक्सपेरिमेंट है। दोस्तों, हम भी घर पे जाकर एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है? एक शोर सुनाएंगे हम एक्सपेरिमेंट की, आप देखना जरूर। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे बम भी भटका लिए हैं, और घूम भी आया, आगे तक बहुत मजा आया है बम भटकाने में। और देखो सूरज भी आ गया, मतलब धूप भी आ गई, और अब हम घर पे वापस जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम घर पे आ गए हैं, तो बम फोड़ के, और अब थोड़ी थोड़ी धूप भी हो गई है। तो दोस्तों, अभी मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी है, क्योंकि मम्मी बोली आज गोवर्धन पूजा है ना, तो इसको भी धो देते हैं। और देखो ये बहुत ज्यादा गंदी हो रखी है। हाँ, आज विश्वकर्मा है। हाँ, विश्वकर्मा डे है ना आज, तो ये मम्मी बोली कि धो देते हैं इसको, बहुत ज्यादा गंदी हो रखी है। देखो बहुत दिन हो गए थे अपनी गाड़ी को धोए भी, आज धोते हैं इसको। दोस्तों देखो, हमने अपनी गाड़ी धो ली है, देखो अब चमकने लग गई ना बिल्कुल, बस पीछे से रह गई धोनी, और देखो कितनी सुंदर लगने लग गई ना अब ये। एक बार पीछे से साफ साफ कर दे, मतलब धो तो दी, कपड़ा कपड़ा मार दे पीछे, फिर इसके बाद हम धोएंगे अपनी स्कूटी। तो देखो दोस्तों, हमने पीछे से भी अपनी कार को साफ कर दिया, और देखो काफी अंधेरा हो गया, साफ करते करते काफी टाइम लग गया, और अब बारी है हमारी स्कूटी की। और देखो आज मंगलवार था ना, तो मैं प्रसाद भी लेके आया हनुमान जी का। देखो दोस्तों, हमने अपनी स्कूटी भी धो दी, और देखो ये भी चमकने लग गई बिल्कुल। और अभी मैं जाऊंगा एक बार आटा लेके लिए दुकान से, आटा लेके आऊंगा अभी मैं एक बार। अभी मैं बना रहा हूँ चूरमा, क्योंकि आज गोवर्धन पूजा है ना, तो गोवर्धन पूजा पे चूरमे का, खील खिलौने का, और मिठाइयों का, इन चीजों का भोग लगेगा करते वक्त, और अब इसको बनाते होंगे। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये मिक्सी में चूरमा क्यों बना रहा है, क्योंकि मुझे मिक्सी का चूरमा पसंद है, बिल्कुल हलवे जैसा हो जाता है ना, तो मुझे ये पसंद है। और ये पूरे का इसलिए मिक्सी में बनवा रहा हूँ, और जब गुड़ का खाना होता है ना मुझे, जब मैं मम्मी के हाथ का बनवाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अब देखना है मिक्सी में बहुत अच्छा बन जाएगा पूरे का। चूरमा तो बन गया, देखो दोस्तों, देखना सूप मस्त हो गया, खा लो। देखो दोस्तों, आ दिखाई मम्मी, देखो देसी घी कितना सारा डाल दिया था मम्मी ने, देखो ना मस्त बन गया, आज तो गोवर्धन जी मजा आ जाएगा। तो दोस्तों, अभी हम कर रहे हैं गोवर्धन जी की पूजा, देखो पापा जी और मैं कर रहे हैं, और अब हम लगाएंगे जोत। हमें इतना ज़्यादा पता नहीं था कि कैसे करते हैं, अब देखो, अब मम्मी बताने के लिए ना मम्मी आएगी।
देखो आ गई मम्मी। हम देखो इसको दिए को ना ऊपर रख के पूजा कर रहे थे, फिर हमें मम्मी जी ने बताया कि इसको ऊपर रख के पूजा नहीं करते, इसको नीचे रखते हैं। फिर हमने इसको नीचे रख लिया और अब थोड़ी देर पूजा करके फिर हम करेंगे इसकी परिक्रमा गोवर्धन जी की। पहले इस पे धूप लगानी है गोवर्धन जी के, और फिर खाना खिलाना है। खा लिया पूजा करके, और लड्डू गोपाल जी को दूध पिला के सुला भी दिया है। मेरा दूध और बिस्कुट तो आ गया, और इनको खा पी के मैं भी सोऊंगा। और आज ना मैंने जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला था ना, वो किया नहीं, क्योंकि आज टाइम नहीं मिला, थोड़ी काम थे, तो कल करेंगे पक्का। तो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। Give it to me like